<laughs> अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है जो होता है वो दिखता नहीं है और मैं ही हूं सिर्फ समझाने के लिए आपको इसके अलावा कोई समझाता भी नहीं है वीडियो इस बात पे है कि आपने बहुत सस्ता हीरा खरीद लिया है या आपको सस्ता हीरा मिल रहा है लेकिन फिर भी आपको पता नहीं लगा कि आपको धोखा हो गया है और आपने गलती से महंगा हीरा खरीद लिया है इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर्टिफिकेट से किस तरह से आपको धोखा किया जाता है और बाजार में अलग, -अलग किस तरह से आपके नजरों के सामने छोटा सा कहानी रखता हूं और आपको खुद इस कहानी का जवाब देना है उसके बाद मैं असल इस वीडियो को शुरू करूंगा एक रास्ते से दो दोस्त गुजर रहे थे एक दोस्त का नाम है मिस्टर आई और दूसरे दोस्त का नाम है मिस्टर जी मिस्टर आई और मिस्टर जी दोनों ही रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको एक सुंदर सा घर दिखा और आपने उनसे पूछा कि जरा आप इस घर को ग्रेड कीजिए कि एक से दस की रेटिंग में यह घर को आप कितनी सुंदरता में रखते हैं दस मतलब कि बहुत ज्यादा सुंदर आपने देखा नहीं कभी और एक मतलब बहुत ज्यादा खराब इससे खराब आपने कभी देखा नहीं है तो मिस्टर आई और मिस्टर जी ने बड़े ध्यान से उस घर को देखा और मिस्टर आई ने उसको ग्रेड किया आठ नंबर मतलब दस में से आठ नंबर दिए और मिस्टर जी ने उस घर को दस में से सात नंबर दिया मतलब कि मिस्टर आई का कहना है कि ये दस में से आठ नंबर सुंदर है बहुत सुंदर है बट जी का कहना है कि इतना ज़रा सुंदर नहीं है थोड़ा सा कम सुंदर है सुंदर तो है बट इतना नहीं कि आठ नंबर जैसा होना चाहिए सात नंबर जैसा है अब मुझे जरा आप ये बताइए कि इन दोनों में से क्या किसी ने गलत बताया है नहीं क्योंकि उन्होंने अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार इस हीरे को ओ oh, सॉरी इस घर को ग्रेड किया है दोनों के अपने अपने स्टैंडर्ड है दोनों के अपने अपने नियम है और इसी नियम के अनुसार दोनों ने इस घर को ग्रेड किया है ग्रेडिंग का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है लेकिन ग्रेडिंग के जो पैमाना है वो सेम है वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपके सामने वही एक से दस का स्केल है और किसी ने आठ रखा तो किसी ने सात रखा और यही हर बार होता है हमारे डायमंड इंडस्ट्री में अलग अलग लैब्स के द्वारा लैब्स का स्टैंडर्ड डिफरेंट है लेकिन ग्रेडिंग करने का जो स्केल है वो स्केल सेम ही है वो स्केल वही डी ई एफ जी एच से लेकर जेड तक का कलर है वही एफ एल आई एफ वी वी एस वन वी वी एस टू इस तरह से लेकर आई थ्री तक की क्लैरिटी है वही कट है तो स्टैंडर्ड अलग अलग होना ये हमें मालूम नहीं पड़ता है और इस वीडियो में मैं जो खुलासा करने वाला हूँ उससे आप चौंक जाएंगे मैं आपको तो इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आपने सस्ता हीरा सोचकर खरीद लिया और कैसे वो आपको महंगा पड़ गया और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भी महंगा पड़ सकता है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास एक डायमंड आया हुआ है और उस डायमंड को दो इंटरनेशनल रिनाउंड लैब्स ने सर्टिफाई किया है मतलब कि ग्रेड किया है अब हमें ये कैसे पता लगा कि एक ही डायमंड को दो अलग अलग लैब्स ने ग्रेड किया है क्योंकि एक ही डायमंड के ऊपर दो अलग अलग लैब्स के इंस्क्रिप्शन है इसमें जी आई का इंस्क्रिप्शन भी है इसमें जी का भी इंस्क्रिप्शन है मैं पहले आपको सबसे पहले मैं डायमंड का माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता हूं यहां आप देखेंगे डायमंड के गर्डल पे आई का इंस्क्रिप्शन है और जब मैं इस गर्डल को थोड़ा सा और हिलाता हूं तो यहां पे आप देख रहे हैं ये जी आई ए का इंस्क्रिप्शन भी इसी डायमंड के गर्डल पे लिखा हुआ है मतलब कि एक ही डायमंड को आई ने भी सर्टिफाई किया और उसी डायमंड को जी ने भी सर्टिफाई किया तो यहां से अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं कि पहले कौन से लैब ने सर्टिफाई किया यह कैसे पता लगेगा यह उनके रिपोर्ट में लिखे हुए डेट से पता लगेगा तो आई का जो रिपोर्ट है इसमें आप देख रहे हैं फेब्रुवरी ट्वेंटी है टू थाउजेंड एटीन का यह दो हजार अठारह में ये रिपोर्ट इशू किया गया है और अगर मैं जी की रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो जी ने जो रिपोर्ट इशू किया है वो क्या है जुलाई 8 2019 मतलब कि एक लैब ने IGI ने 2018 में इसे ग्रेड किया था और 2019 में डायमंड दा, को फिर से सबमिट किया गया है GIA के पास और उन्हें GIA ने 2019 में इसको ग्रेड किया है अब यही चीज जो इंस्क्रिप्शन है यह रिपोर्ट के नीचे भी लिखा रहता है मैं आपको दिखाता हूं जैसे आप IGI का रिपोर्ट पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहां पे लेजर इनस्क्राइब्ड लिखा हुआ है IGI 305886143 और यही इंस्क्रिप्शन exactly आपको डायमंड में भी मैंने दिखाया था ये आप देखिए पे इंक्रिप्शन भी आपको दिख रहा है ना? तो उसका कि report इसी diamond का है और अब मैं आपको आप 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 तो हजार का अपना इंस्क्रिप्शन तो लिखा हुआ ही है सिक्स जो कि आपको डायमंड पे भी दिख रहा है जो कि आपको डायमंड है प्लस साथ में रिपोर्ट में आई आई का इंस्क्रिप्शन भी क्योंकि उनको पढ़ने में आया था उन्होंने आईजीआई का इंस्क्रिप्शन भी रिपोर्ट में मैंशन कर दिया है कि ये इंस्क्रिप्शन भी था मतलब कि आप जी के रिपोर्ट में देखेंगे दोनों इंक्रिप्शन लिखे हुए हैं क्योंकि जी का रिपोर्ट बाद में इशू हुआ था इसलिए आईजीआई का रिपोर्ट भी उनको पढ़ने में आया था इसलिए वो भी लिख दिया है लेकिन जो मेन फर्क है जो अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं वो अब आपके सामने आएगा यहां आप दोनों ही लैब्स के रिपोर्ट में देख रहे हैं कलर सेम है कट सेम है फ्लोरसन सेम है बाकी पैरामीटर्स भी करीब सेम ही है लेकिन जो मेन अंतर वो है क्लैरिटी में आई मतलब कि इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इस डायमंड को एस आई वन ग्रेड में रखा है और जी आई ने इस डायमंड को एस आई टू ग्रेड में रखा है मतलब कि आई ने एस आई वन रखा है जी आई ने एस आई टू रखा है सिर्फ इतना सा फर्क है कलर दोनों ही लैब्स ने सेम रखा है एम कलर रखा है वजन तो डेढ़ कैरेट का है ही बाकी कट भी पैरामीटर सेम ही है मतलब कि अगर आप देखेंगे कि दोनों लैब्स के स्टैंडर्ड्स में अंतर होने की वजह से यहां पे क्लैरिटी ग्रेड में फर्क आ गया जो मैंने शुरू में आपको कहानी बताई थी कि घर वही है लेकिन अलग अलग लैब्स अलग अलग नजरिए से उस घर को देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे दोनों लैब्स में से गलत किसी ने नहीं किया आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेडिंग इज ग्रेडर्स ओपिनियन ये ओपिनियन है लेकिन हाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमें डायमंड में ज्यादा डिस्काउंट मिलता है खासकर आई, आई के रिपोर्ट के साथ तो हमें खुश नहीं हो जाना आप खुश हो जाते हैं कि आपको सस्ता मिल गया तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि आपको सस्ता नहीं मिला आपको महंगा मिला है कैसे आइए समझते हैं तो आपके सामने ये चार्ट है और ये चार्ट मैंने बनाया है दोनों के प्राइस के डिफरेंस को समझाने के लिए ठीक है तो मैंने दोनों ही डायमंड के प्राइजेस को आपके सामने रखा है आज के डेट में अगर मैं कोई डेढ़ कैरेट का डायमंड जो कि एम कलर और एस si आई वन क्लैरिटी ग्रेड का हो तो उसकी कीमत क्या होगी और वही डायमंड अगर एम कलर एस आई टू क्लैरिटी ग्रेड का हो तो उसकी कीमत क्या होती है समझते हैं अच्छा हमें यह भी समझना तो जरूरी है ही क्योंकि जब भी हमें बाजार में जी का रिपोर्ट के साथ कोई डायमंड मिलता है तो हमें थोड़ा सा महंगा लगता है क्योंकि उसमें डिस्काउंट कम मिलता है लेकिन जब भी आई जी आई के रिपोर्ट के साथ कोई डायमंड मिलता है उस पर हमें डिस्काउंट ज्यादा मिलता है क्यों क्योंकि स्टैंडर्ड में अंतर है इसीलिए ठीक है ना तो इस अंतर को हम समझते हैं और आपकी भ्रांति को मैं दूर करता हूं कि आपको सस्ता लगते हुए क्यों महंगा पड़ जाता है तो अगर देखेंगे एम एस आई वन आज के डेट में इंटरनेशनल जो प्राइस है वो है थर्टी सिक्स हंड्रेड डॉलर तीन हजार छह सौ डॉलर और अगर मैं एक डॉलर की कीमत सेवेंटी थ्री रुपीज मान के चलता हूं इंडिया में तो उसको आई एन आर में कन्वर्ट करने पर मुझे मिलता है टू लैख सिक्सटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज मान लीजिए मुझे इस डायमंड में 35 परसेंट डिस्काउंट मिलता है मुझे व्यापारी जो है कहते हैं कि 35 परसेंट लेस में 35 परसेंट डिस्काउंट पे मैं आपको डायमंड दे दूंगा तो जब मैं इसको 35 परसेंट लेस में करूंगा तो मुझे जो ट्रांजैक्शन प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा एक लाख सत्तर हजार आठ सौ बीस रुपए मतलब कि इस भाव से पर कैरेट के भाव से मिल रहा है और अगर मैं डेढ़ कैरेट का पीस खरीद रहा हूं तो पूरी पीस की कीमत पड़ेगी टू लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी रुपीज मेरे को यह डायमंड अगर एम एस आई वन का होगा तो करीब करीब दो लाख छप्पन रुपए में पूरा पीस मिलेगा और वही सेम सिस्टम से अगर मैं एम एस आई टू की बात करूं और मान लीजिए उसमें मुझे थर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट नहीं मिलता मुझे तीन परसेंट डिस्काउंट कम मिलता है क्योंकि अक्सर जी आई ए में डिस्काउंट कम मिलता है तो थर्टी टू परसेंट डिस्काउंट में मिले तो भी उस पूरे पीस की कीमत हमारी बनती है टू लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज जो डिफरेंस है वो तीन हजार रुपए का है तो हमें अगर ये कहा जाए कि आप इस रिपोर्ट के साथ लीजिए इसमें डिस्काउंट ज्यादा है और इस रिपोर्ट के साथ लेंगे जिसमें डिस्काउंट कम है तो भी हमें कम डिस्काउंट वाले में भी फायदा है अब यहां पे आप सोच रहे होंगे क्या तीन हजार रुपये का डिफरेंस है क्या ज्यादा माथा बच्ची करना इतना बड़ा पीस खरीदें तीन हजार कोई बड़ी बात थोड़ी है खरीद सकते हैं रुकीये जरा क्योंकि एम कलर की बात कर रहे हैं अभी हम एम कलर की बात कर रहे हैं अगर एम कलर की बात ना करके अगर हम इसको जी कलर में लेके आते हैं मैं डी की बात नहीं कर रहा मैं जी की बात कर रहा हूं जी कौन से नंबर का कलर होता है डी ई एफ जी ऊपर से चौथे नंबर के कलर की बात कर रहा हूं अगर सारा कुछ सेम हो यहां पे क्लैरिटी में एस आई वन एस आई टू का ही अंतर रहे लेकिन कलर में एम के जगह ये सिर्फ जी हो जाए जी ग्रेड में तो जो फर्क निकल के आता है वो निकल के आता है करीब नाइनटी सिक्स थाउजेंडी सिक्स हंड्रेड एट्टी नाइन रुपीज का क्योंकि यहां पे इंटरनेशनल प्राइजेस जो है वो जी एस आई वन का भाव है नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलर और जी एस आई टू का जो भाव है वह है सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर हो माई गॉड वट इज द मैटर इज द चौके तो यहाँ पे दोनों ही लैब्स ने अपना अपना काम किया लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों लैब्स के स्टैंडर्ड में अंतर है किसी भी लैब ने गलत नहीं किया वो हमारे सोच में अंतर है क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो हीरा ख़रीद रहे हैं वो कौन से लैब से सर्टिफाइड खरीद रहे हैं उनके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं हर लैब के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने अपने स्केल होते हैं और अगर मैंने आपको ये नाइन्टी मान लीजिए एक लाख के आसपास ये मान लीजिए कि सिर्फ़ एक क्लैरिटी के ग्रेड में फर्क आने की वजह से एक लाख के आसपास का फर्क आ गया सोचिए अगर वो कलर में भी फर्क आ जाए तो कलर एक ग्रेड कलर भी ऊंचा और एक ग्रेड क्लैरिटी का भी ऊंचा तो कितना फर्क आ सकता है और अगर वो और ऊंचे क्वालिटी के डायमंड में हो तो भाव और ज्यादा फर्क आ सकता है दो लाख तीन लाख का फर्क भी आराम से आ सकता है मेरा इस वीडियो को बनाने के साथ ये कतई मकसद नहीं है कहने का कि आप इस लैब का रिपोर्ट लीजिए या उस लैब का रिपोर्ट लीजिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपके सामने यह है कि कभी भी कोई आपको यह कहता है कि आप फलाने लैब के रिपोर्ट के साथ लीजिए और आपको ज्यादा सस्ता मिलता है सोचना आपका काम है